नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्या न्यूज टीवी। नित्या न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। और मैं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दतिया जिले से आ रही, जहां कोतवाली टीआई ने जुए की फड़ पर दी दाबिश। 25 जुआरी सहित 88,000 की रकम सहित गिरफ्तार। दतिया में जुआ नहीं होने दूंगा, कोतवाली टीआई धनेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा। दतिया कोतवाली टीआई धनेंद्र सिंह भदौरिया को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि भदौरिया की खिड़की पर जुए की फड़ जमी हुई है, जिसकी तपसीत कर टीआई द्वारा पुलिस बल के साथ दाबिश दी गई। तो 10 जुआरी 42,940 की नकदी सहित धर दबोचे, जिन्हें कोतवाली लाया गया। इतने में ही दूसरी सूचना प्राप्त हुई थी कि अंबेडकर नगर में भी चल रहा जुआ, जिस पर टीआई भदौरिया द्वारा तुरंत संज्ञान में लेकर की कार्रवाई। तो 15 जुआरी 95,990 की रकम एवं मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पकड़े गए जुआरियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी, यह कहना है टीआई धनेंद्र सिंह भदौरिया का। देखिए दतिया से रजनी लिटोरिया की खास खबर। भदौरिया की खिड़की पर एक जुआ हो रहा है, तो उसकी तस्दीक की। तस्दीक करने के बाद मैं अपना फोर्स लेके मैं गया, तो वहां देखा तो जुआ चल रहा था। तस्दीक दबिश दी तो 42,940 रुपए और 10 लोग मिले जुआ खेलते हुए, उनको लेके थाने पे आए। दोबारा में फिर एक सूचना आ गई कि साहब एक जगह और जुआ हो रहा है अम्बेडकर नगर में। फिर हम लोग वहां दबिश देने के लिए गए तो 45,990 रुपए वहां पे मिले और करीब 15 लोग थे जो जुआ खेल रहे थे, सबको लेके थाने आए हैं। उचित कार्रवाई करके कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जुआ माफियाओं को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? जुआ नहीं होगा दतिया में, कहीं जुआ नहीं होगा। और जो भी आधी रात को कहीं पर भी जुआ हो, आधी रात को सूचना दे, उसे पकड़े।